1942 में देह व्यापार से परेशान एक पति ने अपनी पत्नी को अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतरवा दिया। सेक्टर 48 में किराए मकान में रहने वाला मृतक बिटू मूल रूप से बिहार के गांव का बिजुलिया का रहने वाला था और 2004 से फरीदाबाद में रह रहा था। मृतक पहले एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था। बाद में मृतक ने ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। मृतक की पत्नी जो कि अपने पति की हत्या की आरोपी है, उसका कहना है कि उसका पति बिट्टू उसको जबरदस्ती देह व्यापार के लिए भेजता था और जब वो वापस आती थी तो उसको कई तरह से प्रताड़ित करता था। इस बीच सेक्टर 48 के निवासी शेखर से उनकी मुलाकात हुई। शेखर उनको 3-4 महीनों में बुलाता था। आरोपी पत्नी ने उनकी पूरी कहानी शेखर को बताई, जहां से दोनों की प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई। 10 दिन की इस प्रेम कहानी ने आरोपी पत्नी के पति यानी बिट्टू की मौत की साजिश को रच डाला। कई प्लानिंग के अनुसार शेखर ने अवैध हथियार खरीदा और तय समय 24 अगस्त की रात बिट्टू के घर पहुँच गया। रात के समय बिट्टू की पत्नी ने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिसके बाद शेखर ने सोते हुए बिट्टू के सर पर गोली मार दी और मौके से शेखर फरार हो गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी पर शक हुआ और कड़ी पूछताछ में पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों मृतक की पत्नी डिम्पी और शेखर को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके से हत्या की थी? हथियार कहाँ से लाए थे? पछतावा है? क्या काम करते थे आप? क्या किस पति की सलाह पे करते थे आप? देवी व्यापार उनको पता नहीं था तुम्हारे पति को कि आप इस तरह का काम कर रहे हो? तो ये आइडिया कैसे आया कि इस तरीके से आप शादीशुदा थे, पति के साथ रहते थे, उसके बाद देह व्यापार आप क्यों करते थे? नहीं, आर्थिक स्थिति की मजबूती थी या फिर और कोई मजबूरी थी? किसके साथ मिलकर मारा था अपने पति को? फ्रेंड के साथ मिलकर मारा था। कैसे मारा था? कैसे मारा था?